नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले आपको मेरे साथ मेरे दोनों एंकर्स को एंकर्स दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ में रूबिका लियाकत है, मेरे साथ रोमाना इसार खान है, और पीछे आप उस लड़की अंजलि को देख सकते हैं जिसको न्याय दिलाना है। नए साल के पहले दिन देश को हिलाने वाले कंझावला केस में करीब 13 दिन से आपका चैनल एबीपी न्यूज इंसाफ के लिए मुहिम चला रहा है, और अब इंसाफ की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। लगभग ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचती हुई दिख भी रही है। एबीपी न्यूज पहले ही दिन से कह रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा गया, उसकी मौत हो गई और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने बड़ी लापरवाही बरती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें, बड़ी खबर है लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही पुलिस वाले हैं जिनकी उस रात वारदात वाले इलाके में तैनाती थी। मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर जो पुलिस के जवान हैं, सिपाही हैं, वो हैं जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट से जिनका ताल्लुक है, और ये जो क्राइम हुआ है ये आउटर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। पीसीआर वैन और पिकेट पर जिन कांस्टेबल्स की ड्यूटी थी, ये वो कांस्टेबल्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। जो इलाके के डीसीपी हैं उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी, उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनसे कारण पूछा जाएगा, और उसके बाद गृह मंत्रालय आगे की रणनीति को, आगे की जो भी उसको एक्शन लेना है उसको तय करेगा। तो घटना वाली रात पीसीआर वैन और जितने लोग पिकेट पर उस रूट पर मौजूद थे जहां पर इस लड़की को घसीटा गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और 11 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, उनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पीसीआर वैन यानी पुलिस कंट्रोल रूम की जो वैन्स तैनात होती हैं, जो लगातार गश्त करती रहती हैं, उनके पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जो पिकेट ड्यूटी पर जो कांस्टेबल्स थे उनको सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से 6 पुलिस वाले पीसीआर वैन की ड्यूटी में तैनात थे और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे। तो 6 पुलिस वाले पीसीआर वैन में तैनात थे जिनको सस्पेंड किया गया है। पुलिस वैन जो होती है, पीसीआर वैन, उसकी जिम्मेदारी होती है गश्त करते रहना। जो पिकेट पर कांस्टेबल्स या सब इंस्पेक्टर्स या एएसआई जो भी उनकी जिनकी तैनाती होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और तब जब रात का समय हो, 31 दिसंबर की वो रात जिस समय जश्न के लिए लोग बाहर निकलते हैं, बहुत लोग जो है उस दिन शराब का सेवन करते हैं, ऐसे में अगर पुलिस सतर्क नहीं होगी तो फिर किससे उम्मीद की जाए? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।